भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया का आगाज हो गया है। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एरो इंडिया शो कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना के येलहंगा एयरफोर्स स्टेशन में हो रहा है। एरो इंडिया सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टरों, रक्षा उपकरणों और नए युग के एवियोनिक्स के निर्माण के लिए हर देश को एक उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया है। 14वें एरो इंडिया शो में प्रचंड तेजस समेत कई जेट ने उड़ान भरी। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियों में HLFT-42 ने बटोरी है। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है, साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, इसका मतलब है तूफान आ रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले ये सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। एयर शो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इसकी थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एरो इंडिया के इस कार्यक्रम में 98 देशों के प्रतिभागियों, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों और वैश्विक और भारतीय मूल के उपकरण निर्माताओं की ओर से 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसमें 809 रक्षा कंपनियों और स्टार्टअप तकनीकी में तरक्की और विमानन और रक्षा क्षेत्र में विकास का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाले 251 एग्रीमेंटों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।